हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान में अगर आप मैकेनिकल शोवल्स, एक्सकेवेटर्स और शोवल लोडर्स अगर आप इम्पोर्ट करना चाह रहे हो पाकिस्तान के अंदर, मतलब कंस्ट्रक्शन मशीनरीज हैं ये सब, तो अगर ये सब चीज़ें इम्पोर्ट करना चाह रहे हो पाकिस्तान में तो इसके ऊपर कितनी कस्टम्स ड्यूटीज़ वगैरह आपको देनी पड़ेंगी मैकेनिकल शोवल्स पर, एक्सकेवेटर्स एंड शोवल लोडर्स पर, तो क्या ड्यूटी टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे इसके ऊपर, तो ये सब चीज़ें हम आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। प्लस दोस्तों, इस वीडियो को आप लाजमी एंड तक देखिएगा। हम इसके अंदर कंडीशन वगैरह भी डिस्कस करने वाले हैं कि इसके ऊपर क्या कंडीशंस हैं कि नहीं हैं, तो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। वैल्यूएशन रूलिंग भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो लाजमी इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। ये सिर्फ 9000 रुपये में आपके बिज़नेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ये आपको बनाकर देंगे, साथ में डोमेन और होस्टिंग ये बिल्कुल फ्री देंगे आपको। अगर आपको अपने बिज़नेस की वेबसाइट बनानी हो तो आप इनको इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, हम आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का। सो दोस्तों, मैकेनिकल शोवल्स एंड एक्सकेवेटर्स का जो HS कोड है, जो वो ये यूज़ हो रहा है 8429.5900, ये इसका HS कोड है। और इस HS कोड के अगेंस्ट जो ड्यूटी टैक्सेस हमारे पास जो आ रहे हैं, वो कस्टम ड्यूटी जो इसके ऊपर है वो 3% है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 1% है इसके ऊपर, सेल्स टैक्स 17% है। और एडिशनल सेल्स टैक्स अगर आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए मंगवा रहे हो तो इसके ऊपर एडिशनल सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप इसको कमर्शियली अगर बेचने के लिहाज से मंगवा रहे हो, कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर आप इसको मंगवा रहे हो, तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी आपको देनी पड़ेगी, सॉरी एडिशनल सेल्स टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। और इनकम टैक्स जो है, अगर आप फाइलर हो तो 6%, अगर आप नॉन फाइलर हो तो 9%। दोस्तों, ये वो ड्यूटी टैक्सेस आपको देना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी 3% है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 1% है, सेल्स टैक्स 17% है, और एडिशनल सेल्स टैक्स जो है वो 3% है अगर आप इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए इम्पोर्ट कर रहे हो तो ये लगेगी, अदरवाइज़ नहीं लगेगी। इनकम टैक्स अगर आप फाइलर हो तो 6%, अदरवाइज 9% इसके ऊपर होगा। दोस्तों, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। दोस्तों, फ़र्ज़ करें हम पाकिस्तान के अंदर एक मशीन मंगवा रहे हैं, एक एक्सकेलेटर मंगवा रहे हैं यहाँ पर एक, और जिसकी जो US डॉलर प्राइस है वो ये है 1,01,704 डॉलर, मतलब 1,01,704 डॉलर की मशीन हम मंगवा रहे हैं, उसकी प्राइस ये है, यहाँ पाकिस्तान में मंगा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो ड्यूटी टैक्स, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले पाक रुपीस में, ये US डॉलर में, हम इसको पाक रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आ रही है 1,12,00,000। सो दोस्तों, 1,12,00,000 की मशीन है। दोस्तों, ये बहुत महंगी मशीनरी होती है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महंगी मशीनरी होती है। हम तो यहाँ पर ये फ़र्ज़ कर रहे हैं तो, लेकिन ये बहुत ही महंगी, सच में ये बहुत महंगी मशीनरीज होती हैं। तो 1,12,00,000 की मशीनरी हम मंगवा रहे हैं, तो 1,12,00,000 की मशीनरी के अगेंस्ट जो ड्यूटी टैक्सेस हमारे पास आते हैं वो ये हैं, वहाँ पर 16,64,000 रुपये आपको टैक्स देने पड़ेंगे अगर आप 1,12,00,000 की मशीनरी यहाँ इंपोर्ट करते हो। दोस्तों, इन ड्यूटी टैक्सेस का अगर आप प्लस करो तो 30% बन रहे होते हैं, तो 30% ये आ रहा होता है, ये 30% आ रहा है। दोस्तों, हमें ऑलरेडी एक पोस्ट हम लोग वीडियो बना चुके हैं इस टॉपिक पे कि आप सिंपली कैलकुलेट ड्यूटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मैनुअली एक सिंपल कैलकुलेटर की मदद से, ताकि आप अपने जो ड्यूटी है वो एग्जैक्ट जो ड्यूटी है वो आप निकाल सको। सो वो वीडियो आप इजीली सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, अब लिख करके हाउ टू कैलकुलेट कस्टम ड्यूटीज़ विद सिंपल कैलकुलेटर, तो वो वीडियो आ जाएगी आपको, वो फॉलो करके आप एग्जैक्टली अपनी जो ड्यूटी है वो निकाल सकते हो। यहाँ तो हमने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। सो दोस्तों, हमने वीडियो के आगाज़ में आपसे कहा था कि हम वैल्यूएशन रूलिंग भी डिस्कस करेंगे और कंडीशन वगैरह भी आपको बताएंगे। सो दोस्तों, इसके ऊपर कोई वैल्यूएशन रूलिंग नहीं है अभी तक, इसको लोकली अप्रेजिंग लेवल पर ही इसको असेस किया जाएगा। इसकी वैल्यूएशन रूलिंग हमने काफ़ी देखा अभी तक, तो कोई इसके ऊपर कोई वैल्यूएशन रूलिंग ऑफिशियली तो इसके ऊपर कोई नहीं आई हुई है। तो ये वैल्यूएशन जो लोकली जो है वो अप्रेजर लेवल पर ही इसको, वो खुद ही, अब जब GD फाइल करोगे जब हो जाएगी तो वो खुद ही वैल्यू चेक करेंगे इसकी, अगर उनको कम ये लगेगी तो वो उसको बढ़ा देते हैं, वो अप्रेज में असेस जब करते हैं तो वो वैल्यू उसकी बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई वैल्यू, फिक्स वैल्यूज इसकी कोई वैल्यूएशन रूलिंग इन्होंने अभी तक इशू नहीं की है इसके अगेंस्ट।
और जो कंडीशन की बात हमने की थी इस वीडियो के आगाज़ में, तो दोस्तों इसके ऊपर अभी तक कोई कंडीशन नहीं है इसके ऊपर, प्लस इसके ऊपर हाँ अगर कंसेशन SRO की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम 8 शेड्यूल यूज़ हो सकता है। 8 शेड्यूल अगर आप यूज़ करोगे तो जहाँ पे जो आपकी जो सेल्स टैक्स जो है 17% आ रहा है, सेल्स टैक्स जो आपका है ये 17% आ रहा है, अगर आप 8 शेड्यूल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो ये 17% से 10% हो जाएगा, ये कंसेशन यहाँ पर होता है। सो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये, और कुछ भी अगर आपको पूछना हो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हो, हम आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मज़ीद और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहें। सो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।